वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं आप सभी के क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन। इस वीडियो में आज आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो पहले क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल दिस 5x-4x² + 3 at x = 0, x = -1 and x = 2। तीन क्वेश्चन आपको यहाँ दिए गए हैं सॉल्व करने के लिए और इस तीनों पॉइंट पे आपको इस पॉलीनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो पहला हम लोग करते हैं कि द वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल, द वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल पॉलीनोमियल 5x-4x² + 3 at 0 इज, हमें क्या मिल जाएगा, इज 5 × 0 - 4, 0² + 3, यानी क्या मिलेगा, तो 5 × 0 मिलेगा 0, 4 × 0² 0 ही होता है, प्लस 3, यानी कि 0 - 0 + 3 जो कि आपका आंसर क्या आ गया, 3। ठीक है, देखो सिंपली वैल्यू फाइंड करने का मतलब होता क्या है कि जहाँ जहाँ x दिया है वहाँ पे क्या पुट कर दो, जो दे रखा है उसको पुट कर दो। 0 दिया तो 0 पुट कर दो, -1 दिया है -1 पुट करना है, 2 दिया है तो हमें 2 पुट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन रहा। 1 का पार्ट 2 यहाँ भी सेम कि द वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल, द वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल पॉलीनोमियल 5x-4x² + 3 at x = -1 इज, हमें क्या मिल जाएगा, जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन में हमें x दिख रहा है वहाँ क्या पुट करना है, -1। तो 5 × -1 -4 × -1² + 3, तो हमें क्या मिल जाएगा, 5 × -1 - 5 - 4 - 1² क्या मिलेगा, +1 + 3, तो हमें क्या मिल गया, -5 - 4 + 3 जो कि होता है आपका -9 + 3, या आ गया आपका -6। माइनस का 6 क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 का सॉल्यूशन रहा। देन क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, इसको आप लोग इस स्टेटमेंट खुद ही लिख लेंगे 1 के पार्ट 3 का। मैं यहाँ पे कर देता हूँ सॉल्व, क्या कि द वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल एट एक्स इक्वल्स टू 2, बस नहीं लिखना है, वो हमें क्या मिल जाएगा, तो 5 × 2 - 4 × 2² + 3, यानी कि 5 × 2 जा क्या हो गया, तो 10 - 4 × 4 + 3, 10 × 4 = 4 जा आपका मिलेगा -16 + 3, यानी 10 + 3 आपका हो गया 13, -16 जो कि आ गया आपका -3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कह लो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट क्या पार्ट 3 का सॉल्यूशन रहा। ठीक है, देन अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 में हमें क्या दे रखा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दे रखा है, एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है कि फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स। ठीक है, तो पहला हमें दे रखा है PY। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दे रखा है कि PY = y² - y + 1। देखो P0, P1 और P2 का मतलब क्या है, यहाँ हमें दे रखा है ना कि P0 हमें दे रखा है, P2, इस सब का मतलब क्या है कि हमें x के प्लेस पे 0 पुट करना है, x के प्लेस पे 2 पुट करना है, या फिर P1 का मतलब क्या है कि जहाँ जो भी वेरिएबल हमें दे रखा है वहाँ 1 पुट करना है। सिंपली हमसे पहला पूछा गया है कि फाइंड P0, तो P0 का मतलब क्या हो गया कि जहाँ जहाँ y दे रखा है अपन क्या पुट कर देंगे, 0, तो 0² - 0 + 1, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया, 1। दूसरा आपसे पूछा है P1, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पे क्या पुट करो, 1 पुट करो, तो 1² - 1 + 1, यानी 1 - 1 + 1 जो कि आपका कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। P2 हमें दे रखा है, P2 का मतलब क्या करना है कि जहाँ जहाँ y दे रखा है वहाँ पे 2 पुट करेंगे, तो 2² - 2 + 1 जो कि आपका होगा 2² - 4 - 2 + 1, ये क्या आ गया, तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2 और + 1 जो कि आपका आंसर आ गया 3।
ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन रहा है। इसमें हमें तीन वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, P0, P1 एंड P2, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, PT 2 प्लस टी प्लस 2T स्क्वायर माइनस टी का क्यूब। तो देखो जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है T, वहाँ पुट कर देना है 0, 1 और 2, ठीक है। तो ये हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे P0, तो टी जहाँ जहाँ है वहाँ 0 पुट करो, तो 2 प्लस 0 प्लस 2 0 का स्क्वायर माइनस टी 0 का क्यूब, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, 0 हो गए। तो हमारा डायरेक्ट P0 की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। फिर P1 फाइंड करना है, तो जहाँ जहाँ पे आपको टी दिख रहा है वहाँ 1 पुट कर लो, तो 2 प्लस टी प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, तो हमें मिलेगा 2 प्लस 1 3 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का क्यूब भी 1, ठीक है। तो आपको मिल गया 3 प्लस 2 1 या 2 माइनस 1, ये क्या आ गया 5 माइनस 1, जो कि होता है 4। तो इसकी वैल्यू भी आ गई P1 की। अब हमें फाइंड करना है P2, तो जहाँ जहाँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में जहाँ जहाँ T दिख रहा है वहाँ 2 पुट करो, तो 2 प्लस 2 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, तो आपको मिलेगा 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू में 4 माइनस 8, तो 2 प्लस 2 क्या हो गया 4, 2 4 जो हो गया आपका 8 माइनस 8, तो +8 और -8 कैंसिल, आपका आंसर क्या आ गया 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 का सॉल्यूशन रहा। तीन वैल्यूज हमें फाइंड करें, तीनों हमने फाइंड कर लिया है। थर्ड वाला खुद से करेंगे, कुछ करना ही नहीं। एक्स क्यूब दे रखा है, तो एक बार 0 का क्यूब जो कि 0 होगा, 1 का क्यूब जो कि आपका 1 होगा, और 2 का क्यूब जो कि आपका 8 होगा। तो इसको आप खुद से करेंगे, ठीक है। अब 2 के पार्ट 4 को मैं आपसे डिस्कस करूँगा, इसके पहले मैं इनको इरेज कर लेता हूँ। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मैं दोस्तों के साथ हमारे इस चैनल को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और हमारे इस चैनल पर अगर आप कहेंगे तो RS अग्रवाल या फिर RD शर्मा क्लास 9th के भी सॉल्यूशन आप बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में का जो पार्ट 4 है, हमें क्या दे रखा है, PX दे रखा है x-1 एंड x+1। अब यहाँ हमें कैलकुलेट करना है P0, तो जहाँ जहाँ x वहाँ हम पुट करेंगे 0, 0-1 एंड 0+1, तो 0-1 क्या मिलेगा, -1 ही मिल जाता है, 0+1 हमें 1 मिल जाता है, मल्टीप्लिकेशन -1 होगा। देन P1 पुट करेंगे, तो एक्स के प्लेस पे 1 1-1 एंड 1+1, देखो 1-1 क्या होगा आपका, ये 1-1 आपका हो गया 0, तो 0 इंटू 1 आपका आंसर आ गया 0। अब हमें कैलकुलेट करना है P2, तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन में दिख रहा है 2 x वहाँ पुट करो 2, तो 2-1 एंड 2+1, तो क्या मिल गया, 2-1 1 होता है, 2+1 3 होता है, तो आंसर आ गया 3। ये क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 का सॉल्यूशन रहा, ठीक है। तो देन नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। थैंक यू।